जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू वाके बिहारी ड्रेसेस। मेरा नाम महक है और आज हम सीखेंगे नवरात्रि स्पेशल ड्रेस बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ये ब्रॉकेट फैब्रिक। ये देखिए, ये मैं 4 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बना रही हूँ, तो उसके लिए हम ये ब्रॉकेट फैब्रिक ले रहे हैं। ये देखिए, इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ। 4.25x26 26 पर मैं कट लगा दूंगी। 26 इंच लंबाई और 4.25 इंच चौड़ाई ली है हमने। सेम ऐसे ही मैंने आरकंडी ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मैं कस्टमर के लिए बना रही हूँ। ये हमारी ड्रेस जो है वो गोवा जानी है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ ये ड्रेस। देखिए, अब यहाँ पर हमें इसे अंदर की तरफ फ्रंट साइड रखते हुए ये स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, इसके साथ हम ये लेस लगाएंगे। आई होप आपको ये भी डिज़ाइन पसंद आएगा। इसे हम पहले नाप कर काट लेते हैं इतना, और फिर अब इसे हम लगाएंगे। ये देखिए, इसे थोड़ा ऊपर करके लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है कटवर्क वाला। लेस को थोड़ा हम ऊंचा करके लगाएंगे। ये देखिए, आप चाहें तो लगा सकते हैं ऐसी प्यारी सी। ये देखिए, फिर यहां से लेंगे। बाद अब देखिए, हमारी प्लेट जो है, जो पट्टी है हमारी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमने 4.5 इंचेस में डालनी है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। लास्ट वीडियो में मैंने उन्हीं के ऑर्डर की वीडियो बनाई थी। और ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट वाला है, ये मतलब चुभने वाली ब्रॉकेट नहीं है, हैवी वाली ब्रॉकेट है। आप चाहें तो ये ऑर्डर भी कर सकते हैं, सेम यही पैटर्न और डिज़ाइन, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं हमसे। इसमें फुल मंडी सेट भी बन जाता है, और आप अलग से किसी डाइटिस का ही बनवाना चाहें तो वो भी बन जाता है। ये देखिए, ये हमारा हो गया 4.5 इंच का घेरा रेडी। अभी हम नाप के देखेंगे पहले कि नापने में कितना आता है, और पहले हम प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए, देखिए कितना सुंदर हमारा सर्कल बना है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सर्कल बना है। अब इसको हम नापेंगे प्लेट्स को कि कितनी आ रही है। ये देखिए, ये हो गई हमारी 3 और ये 4.5। ये देखिए, पूरा 4.5 आया है, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर आप रेगुलरली ड्रेसेस बनाने लगेंगे अपने ठाकुर जी की, तो आई होप कि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस वही बात है। अब हम इसके साथ की चोली बनाएंगे। देखिए, चोली के लिए वही 4.25 वाली में से जो बचा हुआ है फैब्रिक, वही लिया है मैंने। इसे हम सेकंड पार्ट, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करके इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चोली के लिए सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने पूरी पट्टी पे लगा ली है, क्योंकि दो ड्रेसेस हैं तो ये दोनों के बारे में ही काम आ जाएगी। इसका हम हाफ कर लेंगे, और फिर हाफ का 1/4 हो जाएगा जब हम एक चोली बनाएंगे। तो ठीक है, ये 12 से 14 के बीच में होगी। मैं नाप देती हूँ कि चोली की हमारी लेंथ और विड्थ क्या है। ये देखिए, 10.5 की लेंथ है, उसे कट किया है। अब हम नेफा डालेंगे। नेफे के लिए भी मैं फैब्रिक कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इतना सफिशिएंट रहेगा, और बीच में से इसे अब हम लगाएंगे इस
तरीके से फोल्ड किया और ऐसे। ये देखिए अंदर डाली रेशम की डोरी और इस तरीके से इसे बिल्कुल सफाई से हम बनाएंगे। यहाँ पर जिन ड्रेसेस के घेरे अच्छे नहीं बने होते हैं वो ड्रेसेस कस्टमर को काफ़ी पसंद नहीं आती है। घेरे हमेशा घेरे और नेफे बिल्कुल सफाई से बनने चाहिए, तभी कस्टमर जो है अट्रैक्ट होता है और हमारी ड्रेस भी सुंदर बनती है। ये देखिए अब हम यहाँ पर चोली को ऐसे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ सेंटर में रखेंगे बिल्कुल। ब्रोकेट की ड्रेस हमेशा ठाकुर जी को पसंद आती है, पहनाई हुई अच्छी भी लगती हैं। अब देखिए ये थ्रेड हम कट करेंगे और घेरे पे एक सिलाई लगाएंगे। घेरे को ले लिया, बंद कर दिया बिल्कुल ऐसे और अब यहाँ पर हम एक स्टिच लगाएंगे जिससे हमारी लेसेस भी कवर हो जाएंगी और प्रिटी भी लगेगा घेरा, क्योंकि ये ऑलवेज राउंड रहेगा। अब ये हमारी जो ड्रेस है वो बन करके रेडी है और आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी ड्रेस जिस तरीके से हमने बनाई है। ये देखिए इसे एक बार हम चुनट ले गई, इसे स्ट्रेच करेंगे सबसे पहले ऐसे रख के, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा हैवी होता है इसीलिए ऐसे बनती है ये। ये देखिए, ये देखिए ये हमारी चोली हो गई, ये ड्रेस। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा बताने का तरीका समझ आया होगा और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए ठाकुर जी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाने के लिए। जय श्री कृष्ण।